નમસ્તે મિત્રો ગુજરાતી સ્ટડી એન્ડ એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારા બધા મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે આજે આપણે વિડીયોમાં જોવાના છીએ કે ધોરણ દસ વિષય હિન્દી છે અને પાઠ નંબર અગિયાર છે જેનું નામ છે ભારત વર્ષ અમારા હૈ એક પદ્ય છે કાવ્ય છે અને એનું એ પદ્યનું આપણે આ વિડીયોમાં સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયના જે પ્રશ્નો છે એનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો शुरुआत करिए वीडियो नहीं। तो जोए तारी सम प्रश्नों मूकान प्रयत्न करें तो प्रश्न एक तरी समलिखित निर्मलिखित प्रश्नों के उत्तर चार पाँच वक्यों में लिखिए तो मैं पहलों प्रश्न है तो जो शूँ के हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान हमारा है स्वरधारा किसकी और कब से है तो ये जवाब है कि हिंदुस्तान हमारा है स्वरधारा हमारे देश में रहने वाले कोटि कोटि लोगों की है जब से पृथ्वी और आकाश के उद्भव हुआ है और जब से आकाश में तारे छिटक छिटके और सूर्य चांद बने हैं तभी से हमारे देश का अस्तित्व है इस तरह यह स्वर अनादि आदि काल से है बीजो प्रश्न जो ये मित्रों कवि बालकृष्ण नवीन भारत के लिए क्या संदेश कहते हैं तो जो ये, एनो जवाब कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन भारत के लिए कहते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष बहुत प्राचीन है यह अनादि आदिकाल से हमारा जन्मस्थान है इस बात का देश के बयालीस करोड़ निवासियों को गर्व है उनकी गर्जना सुनकर दुश्मनों के हृदय सिहर उठते हैं उनका सामना कोई नहीं कर सकता भारतवर्ष एक महान देश है बीजो प्रश्न जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्य में लिखिए प्रश्न भारतवर्ष हमारा है यह स्वरधारा किसकी है तो भारतवर्ष में करोड़ों लोग रहते हैं व भारतवर्ष के सभी लोग भारतवर्ष हमारा है का स्वर बुलंद करते हैं यह स्वरधारा भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों की है आगे प्रश्न नवसज्जन के स्वप्न कब से जागे तो जवाब जिस दिन सबसे पहले देश के निर्माण की अनेक कल्पनाएं हमारे मन में उठी देश काल के दो दो विशाल और सुंदर वितानों की रचना हुई जिस दिन आकाश में असंख्य तारे छिटके और सूरज तारे अस्त में आए उसी समय से नवसर्जन के स्वर जागे हैं अगला प्रश्न भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान कब से है तो जो जवाब भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान तब से है, जब हमारा देश भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है जब घटाओं ने सबसे पहले गहराना सीखा था जब पहल जब पहले पहल हवाओं ने लहराना सीख रहे थे उस समय से हमारा जन्मस्थान है अर्थात आदि अनादि काल से भारतवर्ष हमारा जन्मस्थान है है जो प्रश्न करोड़ों करोड़ों लोगों के आत्म उत्साह भरे वचन क्या थे तो करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन थे कि यह भारतवर्ष हमारा महान देश है दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो हमारे देश का सामना कर सके यह एक अद्वितीय देश है अगला प्रश्न कभी भारत का प्रतिपक्षी किसे मानते हैं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ अपनी सत्ताएं जमा जमाए बैठे अंग्रेजों के खिलाफ था कभी उन्हीं को भारत का प्रति प्रतिपक्षी मानते हैं तीसरा प्रश्न जो है पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए तो देखिए पंक्तिश है गरज उठे 42 सु कहे छे गरज उठे 42 कोटी जन खाए हिंदुस्तान हमारा है सुजे गरज उठे 42 कोटी जन हिंदुस्तान हमारा है जे तो तो का पंक्तिश है एनो भाव स्पष्ट કરવાનો છે તો જોઈએ એમાં શું થશે તો જોઈ લઈએ આપણે એનો જવાબ થાય છે કવિ કહેતે હૈ કે ભારત કી સમૂચી 42 કરોડ જનતા એક स्वर મે ભારત વર્ષ ہمارا હે યહ હિન્દુસ્તાન ہمارا હે કા હોંકાર બર રહી હૈ वे कहते हैं कि देशवासियों के ये उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधियों दुश्मनों के लिए दिल दहल उठे हैं आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के सोरे भड़क रहे हैं उनका सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है हमारा देश महान है यह भारतवर्ष हमारा यह हिंदुस्तान हमारा है ठीक है तो मित्रों आरती जी तो जो तुम वीडियो जो है संपूर्ण स्वाध्याय जो जो तुमने वीडियो गमे हो તો એને લાઇક કરો કોમેન્ટ કરો તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો અને છેલ્લે ચેનલમાં નવા હોય ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો એ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં વિડીયો પૂરેપૂરું જોવા બદલ તમારા બધા મિત્રો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર